कह रहे हैं विटामिन मिनरल्स में एग्जैक्टली इसका सिलेबस तो तुम्हारे तुम्हारे पास होगा। सर तो वो कह रहे हैं एक फोटो खींच के ना हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, या फिर अगर तुम्हारे फोन पे होगा तो व्हाट्सएप कर देना सिलेबस का ना सर। सिलेबस का, यस सर ठीक है जो भी होगा कंप्लीट सिलेबस का ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो ठीक सर भी ठीक। आएगा इसमें इस सेमेस्टर में जो भी आना है वो, हम काट करके रखे हुए हैं सर इसका सिर्फ। नहीं नहीं ठीक है, फिर इसी का दे देना। और ये कह रहे थे कि ओके बेसिकली जो इसमें हम लोगों को जो देखना है, डिस्कस करना है ना, वो विटामिन और मिनरल्स के बारे में। तो यस सर बिल्कुल मतलब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि विटामिन और मिनरल्स जो है ये क्या काम करता है, ठीक है, बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट है। क्योंकि कोई भी हम लोग जब विटामिन या मिनरल्स या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट, तो वो होता है आइदर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो यस विटामिन्स और मिनरल्स की प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट है और रिप्रोडक्शन में क्या यूज है, हम लोगों को बेसिकली यही देखना है। तो विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही रिक्वायर्ड है, एसेंशियली रिक्वायर्ड है, लेकिन बहुत ही ट्रेस मतलब वॉल्यूम में, अमाउंट में, है ना, बहुत ही थोड़े जरूरत में उसकी कमी जो है वो मतलब शरीर की जो भी प्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन है वो पूरी हो जाती यस है। विटामिन्स तो फिर भी ठीक है, मिनरल्स तो और भी थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है हम लोगों और को, कम चाहिए यस। मतलब बिल्कुल ही ट्रेस उसमें भी एलिमेंट। दो कैटेगरी सर था, माइक्रो मिनरल्स और ज्यादा कम। मैक्रो हो गई और एक माइक्रो हो गई। तो माइक्रो की तो यस सर रिक्वायरमेंट बहुत ही थोड़ी है, लेकिन वो थोड़ी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, नहीं होने पे फिर मेटाबॉलिज्म में, डिफिशिएंसी से डॉम क्योंकि आएगा। जो आयंस की कंसंट्रेशन अगर गड़बड़ होगी कहीं भी, तो अगर एक इम्बैलेंस होगी तो वो दूसरे को इम्बैलेंस कर देगा, ठीक है, तो पूरे की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो इस पे हमें ज्यादा गौर करनी वाली चीज है। तो चूंकि इस क्लास में बहुत ज्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स है एग्जैक्टली क्या यस सर ये, और दूसरी है कि इसकी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट विटामिन विटामिन्स की और मिनरल्स की। बेसिकली जो यूज है इसकी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन पे, और दूसरी आती है कि इम्यूनिटी पर। तो इम्यूनिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर रखता है इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों हो गई है। इसको समझने से पहले हमको लगता है ना कि एक बार सेलुलर लेवल पे चलते हैं कि एग्जैक्टली आखिर हमारी सेल्स है क्या, किस चीज की बनी हुई है, क्या क्या चीजें इनमें है, ठीक है। तो एक छोटी सी ओवरव्यू पहले हम लोग सेल पे लेते हैं, ठीक है। तो कैमरा ऑफ कर सकते हो या ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी वही शेयर कर रहे हैं स्लाइड, ठीक है, वो देखना, उसमें बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो ये है तुम्हारी, ये Writing's not that easy. Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. बेसिकली ओवरव्यू हम लोग पहले सेल स्ट्रक्चर का, ना क्या क्या सेल्स में पाए जाते। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria.
So what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella,
A flagellum is like a tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. This is almost about the cell. So, हम लोग अगर vitamins और minerals को समझे, सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि आखिर ये act कहाँ करती है, काम कैसे करती है। तो ये basically जो है cell, yes, cells पे बहुत effective, ठीक है, क्योंकि इनकी जो भी effect होती है, वो effect totally directly होती है cells पे। तो ये इस चीज को समझना जरूरी था। अब अगर दूसरी बात हम करें विटामिन की, अब अपने टॉपिक पे, तो विटामिन जैसे आप जानते हो कि बेसिकली बहुत, ठीक है, तो विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है, तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल है। अब ये विटामिन इसलिए भी जरूरी है कि जो भी ये एग्जैक्टली करते क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है। मतलब अगर कहीं मान लो कि किसी भी बॉडी को मतलब बिल्ड करना है, कहीं सेल की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्स की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसकी भरपाई या उसको फुलफिल जो करता है ये विटामिन से ही करता है। अगर किसी तरह से अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई भी चोट लगा, सेल्स डैमेज हुए, तो उसको भी बनाने का जो काम करता है वो यही विटामिन। और मतलब रिपेयर का काम जो है एग्जैक्टली विटामिंस का है, और मिनरल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अब एक छोटा सा विटामिन पर एक स्टोरी थोड़ी सी, A C E D B A. No, this isn't some random out of order alphabet. These are vitamins. And just like letters build words, they're the building blocks that keep the body running. Vitamins are organic compounds you need to ingest small amounts to keep functioning. They're the body's builders, defenders, and maintenance workers, helping it to build muscle and bone, make use of nutrients, capture and use energy, and heal wounds. If you need convincing about vitamin value, just consider the plight of olden day sailors who had no access to vitamin-rich fresh produce. They got scurvy, but vitamin C, abundant in fruits and vegetables, was the simple antidote to the disease. While bacteria, fungi, and plants produce their own vitamins, our body doesn't, so we have to get them from other sources. So how does the body get vitamins from out there into here? That's dependent on the form these compounds take. Vitamins come in two types, lipid-soluble and water-soluble. Take care. Yes, sir. विटामिन जो है वो हम लोगों को बहुत ही थोड़े अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। ये बॉडी बिल्डिंग का भी काम करती है, उसको कंफर्म करती है और उसको प्रोटेक्शन भी देती है। तो ये जो है बेसिकली जैसे बताया ना अभी, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो अपना विटामिन का प्रोडक्शन खुद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को फिर अलग से या सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना पड़ता है। जैसे एनिमल्स में देखा होगा, जो भी जितने रुमेन वाले एनिमल है, रुमिनल, ठीक है, रुमिनेंट्स है, बी विटामिन की कोई जरूरत नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, ये खुद यस
वो कहां से बनती है? फॉर्म करता रूमेन बैक्टीरिया के द्वारा सर रूमेन में फॉर्म होता है, क्योंकि रूमेन जो है वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है। yes. तो वो जो कैरी करता है तो वो बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ है वो जो अपने लिए बनाते हैं उसी में से कुछ एनिमल भी अपना एसिमिलेट कर लेता है, ठीक है, वो अपना नीड फुलफिल करता है। दो तरह का है लिपिड बटर, चलो इसको फिर कंटिन्यू करते हैं ना। Yes, and the difference between them determines how the body transports and stores vitamins and gets rid of the excess. The water solubles are vitamin C and B complex vitamins that are made up of 8 different types that each do something unique. These are dissolved in the watery parts of fruits, vegetables, and grains, meaning their passage through the body is relatively straightforward. Once inside the system, these foods are digested, and the vitamins within them are taken up directly by the bloodstream. Because blood plasma is water-based, water-soluble vitamins C and B have their transport cut out for them and can move around freely within the body. For lipid-soluble vitamins, dissolved in fat and found in foods like dairy, butter, and oils, this trip into the blood is a little more adventurous. These vitamins make it through the stomach and the intestine, where an acidic substance called bile flows in from the liver, breaking up the fat and preparing it for absorption through the intestinal wall. Because fat-soluble vitamins can't make use of the blood's watery nature, they need something else to move them around. And that comes from proteins that attach to the vitamins and act like couriers, transporting fat solubles into the blood and around the body. So this difference between water or fat-soluble vitamins determines how they get into the blood, but also how they're stored or rejected from the body. The system's ability to circulate water-soluble vitamins in the bloodstream so easily means that most of them can be passed out equally easily via the kidneys. Because of that, most water-soluble vitamins need to be replenished on a daily basis through the food we eat. But fat-soluble vitamins have staying power because they can be packed into the liver and in fat cells. The body treats these parts like a pantry, storing the vitamins there and rationing them out when needed, meaning we shouldn't overload on this type of vitamin because the body is generally well-stocked. Figure the logistics of transport and storage, the vitamins are left to do the work they came here to do in the first place. Some, like many of the B complex vitamins, make up coenzymes, whose job it is to help enzymes release the energy from food. Other B vitamins then help the body to use that energy. From vitamin C, you get the ability to fight infection and make collagen, a kind of tissue that forms bones and teeth and heals wounds. Vitamin A helps make white blood cells, key in the body's defense, helps shape bones, and improves vision by keeping the cells of the eye in check. Vitamin D gathers calcium and phosphorus so we can make bones. And vitamin E works as an antioxidant, getting rid of elements in the body that can damage cells. Finally, from vitamin K, we score the ability to clot blood, since it helps make the proteins that do this job. Without this vitamin variety, humans face deficiencies that cause a range of problems, like fatigue, nerve damage, heart disorders, or diseases like rickets and scurvy. On the other hand, too much of any vitamin can cause toxicity in the body. So there goes the myth that loading yourself with supplements is a great idea. In reality, it's all about getting the balance right and hitting that vitamin jackpot. So, इस स्टोरी से क्या समझ में आई? ये विटामिन्स जो होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं ना, एक वाटर सोल्युबल और दूसरा लिपिड या फैट सोल्युबल, एक होता है वाटर। तो ये तो जो वाटर सोल्युबल है ना, इसकी रिक्वायरमेंट हमें डेली होती है, ठीक है, मतलब एक सर्टेन डेली जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो एक्सक्रीट कर जाता है डेली किडनी से। बिल्कुल, क्योंकि ये वाटर में सोल्युबल है, तो जो भी एक्सक्रीटर मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स जाता है उसके साथ वो अटैच होके बाहर निकल सकता है। लेकिन फैट सोल्युबल है, ये एडिपोटिज्म में जाके स्टोर हो जाता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें हमेशा नहीं होती है। और ये तो काफी शुरू से पढ़ा होगा विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में कि क्या है इसका, तो ये तो कोई बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है। Yes, we will know that. Yes.
ठीक है, तो ये थी तुम्हारी विटामिन सी कहानी। यस, तो इससे रिगार्डिंग अब जैसे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट आउट कर लेंगे मिनरल्स के बारे में, क्योंकि मिनरल्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक मैक्रो मिनरल, yes, एक माइक्रो मिनरल, ठीक है। तो माइक्रो yes, और मैक्रो को दोनों को अलग अलग नेक्स्ट क्लास में, मतलब ये तो आज सर्टेन हमने दो दिन कर दिया लगभग दोनों चीज, लेकिन नेक्स्ट yes, क्या करेंगे ना, आज जैसे फ्राइडे को इसका रीनल बॉडी फ्लूइड्स वाला कर दिया क्लास कंफर्म, ठीक है, हमारी क्लास थर्सडे को होगी, मतलब एक दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो थर्सडे को अगर देखो ठीक से, अगर लॉकडाउन ना खुला तो, क्या लॉकडाउन खुलेगा भी तो नहीं लगता है कि तुम लोगों की क्लासेस अभी शुरू होंगी, मतलब जो उम्मीद है। नहीं सर, नहीं खुलेगा सर। हाँ नहीं, हो सकता है कि रिसर्च वर्क के लिए खुल जाए, लेकिन स्टडी के लिए अभी शायद नहीं हो पाएगी, तो ऐसे ही चलेगी। तो मतलब माइंड सेटअप करके रख, लेकिन हमारा जो क्लास है ऐसे ही है, ठीक है। यस सर, यस सर। टाइमिंग थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, 2:30 बजे के आसपास, तो उसमें फिर हम मिनरल्स को देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना काफी रखते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चीज बताओ, ये एक मिनट, प्रणाम, एक मिनट जी सर।